आज के इस वीडियो अगर आप लोग कंप्लीट नहीं देखेगा ना, तब कभी भी आप लोग जियो इंटरनेशनल में अगर सिम कार्ड लेके गया था तो कभी भी आप लोग मतलब एक्टिवेट कर नहीं पाएगा। कंप्लीट देखने के बाद आप लोग 100% जियो इंटरनेशनल में यूज़ कर सकते, चला सकते। तो आप लोगों ने से मैंने जब कम्युनिटी बोर्ड में टैप डाला था, 80% लोगों ने बोला हम लोग जियो इंटरनेशनल में इस्तेमाल कर नहीं पा रहा हो, और 20% लोगों ने बोला हम लोग इस्तेमाल कर रहा हो, बा यूज़ कर रहा हो, चला रहा हो। तो इसके क्या कारण है मैं सारा इस वीडियो में जानकारी दूंगा, और पूरा आप लोगों को देखिएगा ना। आप लोग 100% जियो का वही एक सॉल्यूशन है जो आज के इस वीडियो में बताऊंगा। अगर और भी ज़्यादा कुछ जियो से मेरे पास कुछ जानकारी आते हैं कैसे एक्टिवेट करके इस्तेमाल कर सकते बाहर देश में, और भी ज़्यादा अगर बेहतर आएगा तो मैं आप लोगों को देने के लिए कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले तो ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमारे चैनल में जो लाल कलर का बटन है, सब्सक्राइब बटन है, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए। इसी तरह का मैं वीडियो में हमेशा लेके आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, बहुत सारा लोग अभी जो इंटरनेशनल में सफ़र कर रहा है, तो जियो का ही ज़्यादा कमेंट्स जो मेरा यूट्यूब चैनल जो भी वीडियो के नीचे इतना सारा कमेंट सारा भाई, ज़्यादातर वही याद रहा है हम लोग जियो इंटरनेशनल में इस्तेमाल कर नहीं पा रहा, चला नहीं पा रहा हो, नेटवर्क नहीं आ रहा है, बहुत सारा समस्या, बहुत सारा प्रॉब्लम मुझे बता रहा है कमेंट्स करके। और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ रहा है, इंस्टाग्राम से भी जुड़ रहा है। इंस्टाग्राम में अगर बात करना चाहता मेरे से आके बात कर सकते, मैं हमेशा रहता इंस्टाग्राम चैनल में, ठीक है, वो भी बात कर सकते। तो बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है, ये मैं यूज़ कर नहीं पा रहा हूँ। और असम से भी काफ़ी सारा लोग जा रहा है, वहाँ पर मुझे बोल रहे हैं हम लोग चला नहीं पा रहा हूँ। जियो इंटरनेशनल में जो प्रीपेड कस्टमर, देखिए मैं असम के लोगों को लिए वही बोल रहा हूँ, मैं पहले भी वीडियो बनाया 2-3, डिस्क्रिप्शन में लिंक जाके देख लीजिए, मैं काफ़ी सारा वीडियो बनाया। अगर असम एंड नॉर्थ ईस्ट, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, असम में देखिए, असम में सब बहुत सारा लोग कन्फ्यूज़न होता है। एक मेघालय से गया था तो मुझे कमेंट्स किया, भाई हम तो असम में कौन सा राज्य में होता है, मैं आपको पहले बता दी, असम एंड नॉर्थ ईस्ट, इसका मतलब कि आप लोग समझ गया ना, सिर्फ असम ही नहीं है, असम नॉर्थ ईस्ट का मतलब आप लोग समझ गया। नॉर्थ ईस्ट में जो भी स्टेट आते हैं, जो असम का इस तरफ आजू बाजू में जो भी नॉर्थ ईस्ट में जो भी स्टेट आता है, आपको पहले बता दिया आप लोगों को, जैसे कि मेघालय, जैसे कि असम, ऐसे एक स्टेट हो गया, मणिपुर, त्रिपुरा, ऐसे जैसे कि कार्बी आंग, तो ऐसे ही ये सब स्टेट आते हैं असम के अंदर। जो भी स्टेट है आप लोग नॉर्थ ईस्ट से जियो प्रीपेड कस्टमर, ठीक है, जियो प्रीपेड कस्टमर इंटरनेशनल में आप लोग सफ़र कर रहे हैं, बाहर लेके चला गया गलती से, मिस्टेक से चला गया, ठीक है, तो आप लोग 100% प्रीपेड कस्टमर आप लोग चला नहीं सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप लोगों को, मैं पहले भी वीडियो बनाए, इस्तेमाल करना है तो पोस्टपेड में माइग्रेट करके बाप पोस्टपेड में डॉक्यूमेंट जमा करके आपको प्लान लेके आप लोग कहीं पे भी घूमिए जियो, जो असम है, नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर का लोग जो सफ़र कर सकते इंटरनेशनल में, चला सकते, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा प्रीपेड कस्टमर के लिए, पूरा इंडिया का जो भी जितने भी जियो प्रीपेड कस्टमर के लिए क्या सोल्यूशन है, और मैं एक ही सोल्यूशन निकाला, कस्टमर से मैं खुद बात किया था पूरा, मैं बोला ना आप लोगों को एक वीडियो लेकर आऊँगा, और आप लोगों को ये करना है सब कुछ। और मैं जो भी सेटिंग के बारे में मैं इतना सारा वीडियो बनाया, अगर आप लोग वो भी देखेगा तो आप लोग 100% आप लोगों को भी कर सकते हैं। लेकिन किसी किसी के देखिए, किसी किसी के जियो का टावर आ जाता है, नेटवर्क आ जाता है, ठीक है, किसी किसी का हो जाता है, और किसी किसी का ऑन नहीं रहता, ठीक है, वो कस्टमर से बात करना पड़ता है, लॉक खोलना पड़ता है, इसको अनलॉक लॉक होता है इंटरनेशनल का, और काफ़ी सारा सेटिंग भी होता है मोबाइल में, उसमें ऑटोमेटिक भी आता है, और सेटिंग भी करने के बाद भी ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है। सबसे पहले तो हम लोग देखिए, मैं काफ़ी सारा मैं पहले खुद कितना बार बता भी चुका हूँ और बता रहा अभी भी, हम क्या गलती करते हैं, हम इंटरनेशनल में जा रहे हैं, हमको खुद ही पता है बाहर देश में जियो इंटरनेशनल में तो कैसा काम करेगा। हमको तो सबसे पहले हम इंटरनेशनल पैक को भरा लेना चाहिए, भरने के बाद वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है। तो आप कहीं पर भी जाइए वर्ल्ड में, कहीं पर भी जियो कनेक्टिविटी है जो भी नेटवर्क से, तो वहाँ पर जाइए, आपको ऑटोमेटिक टावर आ जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। लोग सबसे पहले मिस्टेक कर लेते हैं, हम रिचार्ज नहीं डालते इंटरनेशनल में, जाके हमको याद आ जाता है भाई हमको एक्टिवेट करना है,
ठीक है, तो बाद में हमको याद में आता है हमको एक्टिवेट करना है, हमको बैंक से लिंक है कितना सारा कमांड सारा है, हमको ओटीपी चाहिए सिर्फ। भाई अगर आपको पास नेटवर्क आ गया, टावर आ गया, ठीक है, टावर आने के बाद भी ठीक है, तो सही नेटवर्क से कनेक्ट करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों को क्यों SMS नहीं आता है, इसका कारण क्या है? आप लोगों को मैं पहले भी बताया, वीडियो को सारा वीडियो देख लीजिए जाके मेरे वीडियो से, बहुत सारा यूट्यूब चैनल में, इसके कारण क्या होता है। देखिए इंडिया में भी कभी 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 कार आप दूसरे स्टेट में जाते हैं तो जैसे कि एयरटेल का नेटवर्क नहीं पकड़ता, पहले था ऐसा, अभी नहीं है, ठीक है। तो एयरटेल का नेटवर्क नहीं था तो वोडाफोन से कनेक्ट हो जाता था, वोडाफोन नहीं है तो आइडिया से, ऐसा बहुत साल पहले का बात बोल रहा हूँ, जैसे नोकिया था है। तो आपको सही नेटवर्क, कौन सा नेटवर्क से आपको बाहर देश में कनेक्ट करना हो, सबसे वही इम्पोर्टेंट होता है। तो हम लोग बाहर देश में जाता तो ऐसा अगर ऑटोमेटिक नेटवर्क आ गया तो टावर आ जाता है, ठीक है, टावर आ जाता है, बहुत सारे लोगों को SMS नहीं आता, लेकिन सही नेटवर्क से रजिस्टर करना पड़ता है। जैसे कि मैनुअल सेटिंग में जाकर मैं बहुत काफ़ी सारा बताया हुआ आप लोगों को, मैनुअल सेटिंग में जाकर सर्च करने के बाद आपको जो भी सही नेटवर्क में बोलता हूँ वीडियो में वही नेटवर्क सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद रजिस्ट्रेशन ऑन नेटवर्क ऐसा लिखा आएगा, तुरंत ही एक SMS आ जाएगा वहाँ से, स्टेट से जो भी कंट्री में जा रहा है आप लोग वहाँ का कंट्री का वेलकम टू, जैसे कि दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात, ऐसा करके मेरे पास मैसेज आया, ऐसा मैसेज आएगा, SMS आएगा। और जियो इंटरनेशनल में एक्टिवेट करने के बाद आपको कहीं भी जाइए, कोई भी कंट्री में आपको इनकमिंग जो भी इंटरनेशनल में SMS फ्री है, ठीक है। मैंने खुद इस्तेमाल किया, यूज़ किया, मैं बोल रहा हूँ, और कस्टमर से भी मैं बात किया, उन लोगों को मैं पूछा था इनकमिंग SMS कहीं पर भी क्या SMS है जो इंटरनेशनल क्या फ्री है। जियो कस्टमर को मैं बात किया, बोलता हाँ जी फ्री है, तो मैं उन लोगों का हिसाब से बात कर रहा, और मैंने भी खुद इस्तेमाल किया, यूज़ किया दुबई में, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने ऐसा झूठ नहीं बोल रहा, देखिए मैं जो लाता वो सही, मैं जो यूज़ किया था मैं दुबई में, इसलिए आप लोगों को बोला, और कस्टमर केयर भी बोल रहा था मुझे, और मैंने काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन लिया उन लोगों से। अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोगों को, एक ही सॉल्यूशन है मेरे पास, और कस्टमर से मैं बात किया और कस्टमर मेरे को वही सॉल्यूशन दिया। अगर ज़्यादा बेहतर सॉल्यूशन आएगा तो आप लोगों को मैं वीडियो में लाऊंगा और आप लोग देखेगा पता चल क्या सॉल्यूशन है। देखिए सबसे पहले तो जो नीचे से जो इंटरनेशनल जो नंबर है जो जा रहा है ट्रोलिंग हो रहा है, देखिए नीचे से जो, और ये इस नंबर पर ऊपर भी नंबर चल देख रहा है आप, इस नंबर पर आपको जो भी इंटरनेशनल में आप लोग जियो इंटरनेशनल में सिम कार्ड लेके गया है, ठीक है, कोई भी कंट्री में, तो आपको सिर्फ ये जियो इंटरनेशनल नंबर में वहाँ का कोई भी सिम कार्ड से, ठीक है, आप सिम कार्ड से कोई किसी के भी मोबाइल से आप लोग जियो इंटरनेशनल नंबर में कॉल कर सकते हैं। डायरेक्ट कॉल करने का वहाँ का कौन सा कोड लगता है वो कोड डाल के कॉल करिए। बहुत सारा लोग मेरे को पूछ रहा था, भाई हम लोग कॉल किया नहीं लग रहा है, ऐसे कैसे लगेगा? आप लोग जियो कस्टमर केयर मुझे बार बार बोल रहा था, जो भी लोग बाहर देश में गया सफ़र कर रहे हैं, इन लोगों को नेटवर्क नहीं आ रहा है, मेरे को घुमा फिरा के वही बात बोल रहा। मैं आप लोगों को क्या बोलूँगा, मैं तो कोई कस्टमर केयर नहीं हूँ, मैं एक यूट्यूबर हूँ, और आप लोगों को कुछ मतलब अच्छा होने के लिए और आप लोग इस यूज़ करने के लिए आप, मैं कुछ वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोगों को मोटिवेट मिले, आप लोग सीख सके और मतलब एक्टिवेट कर सके, कुछ भी नॉलेज मिले आप लोगों को, ठीक है। तो मुझे बोला गया हमारा जो इंटरनेशनल कस्टमर केयर नंबर है उसमें उन लोगों को बोलो वहाँ का नंबर कोई भी मोबाइल से सिम कार्ड से इस नंबर पर कॉल करने के बाद सारा उसको जानकारी मिल जाएगा। वही एक सलाह दिया और इसके आगे कुछ भी नहीं बोला मुझे। तो वही एक बेस्ट सबसे तरीका, आप लोग इस नंबर पर कॉल करिए, चाहे कनाडा हो, USA हो, दुबई हो, सऊदी अरबिया हो, कतार हो, ओमान हो, वहाँ से आपको जो भी मोबाइल से आपका कोड लगाइए, इंडिया का कोड +91 वहाँ से लगाइए और कॉल करिए। इंटरनेशनल नंबर ज़्यादा हेल्पफुल है, एक दबाएगा तो इंग्लिश में, दो दबाएगा तो हिंदी में आप डायरेक्ट ट्रांसफ़र होगा। एक बार नहीं लगा रहा, दो बार लगाइए और तुरंत आपको जो कुछ बोलना है कस्टमर से बोलिए और सही सही से एक्टिवेट हो जाएगा 100% मेरे को लग रहा है। अगर आप लोग ने कस्टमर से बात करके एक्टिवेट कर लिया तो मेरा वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोगों को ऐसा हुआ, एक्टिवेट हुआ, नहीं हुआ, बाद में मेरे को वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए मैं सच बोला ना झूठ बोला, और कस्टमर केयर क्या सच बोला झूठ बोला उस सारे बात जानकारी पता चलेगा। तो
तो आप लोगों को वही सलाह दिया, अगर अच्छा और भी बेहतर कोई भी चीज़ मेरे पास जानकारी आते हैं तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो आज के इस वीडियो इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो भी मैं लाता हूँ वोडाफोन के बारे में, एयरटेल के बारे में, काफ़ी सारा कमेंट्स आ रहा है तो उसके बारे में भी वीडियो मिल जाएगा। और मैं काफ़ी सारा बिजी हूँ इसलिए वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ, तो सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिए हमारा चैनल को, और एक लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए दोस्तों के साथ, ताकि ऐसा वीडियो सभी लोगों को जानकारी नॉलेज मिले। तो बस इतना ही था।